चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी बले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। आप मेरी जरा भी वो नहीं करते सलमान। वो क्या? वो जो दूसरे शोहर अपनी बीवियों की करते हैं। बेइज्जती? बेइज्जती नहीं, वो सलमान। ओहो मोमो, मेरा सर नहीं खाओ यार। हाँ याद आ गया, आप मेरी जरा भी तारीफें नहीं करते। अरे तारीफ उसकी की जाती है जो तारीफ के काबिल हो। अरे मजाक कर रहा हूँ मोमो, मैंने तो हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ ही की है। क्या हो, मेरी पीठ के पीछे क्या है भाई? जी जी, मैं महमूद बात कर रहा हूँ, आप कौन? ओए महमूद, ओ यार कैसा है तू यार? ओए कौन है तू बदतमीज? ओ यार महमूद, मैं शीदा। तू भूल गया यार, ओ चाचा शुकुरे के बाड़े से मिलकर हम गोबर उठाया करते थे। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने नहीं कभी गोबर वोबर उठाया। तुम हो कौन? ओए महमूद, मैं रशीद। ओए तेरी मामी की नंद की बहन की भांजी का शौहर। इतना करीबी रिश्ता भूल गया तू यार? ओहो रशीद तुम, अरे तूने कैसे फोन कर लिया आज मुझे? ओ यार मैं ना कराची आया हूँ, और मैं सोचा कि यार अपने यार से भी मिल लूँ। मैं तेरे घर का ना पता भूल गया हूँ, जरा मुझे ना सही से बता दे। मेरा पता? लिखो। हेलो महमूद, हेलो। आवाज नहीं आ रही यार, हेलो हेलो। कितने बड़े झूठे हैं आप शहाब, उसकी आवाज यहाँ तक आ रही थी तो आप हेलो हेलो किए जा रहे हो। अरे मोमो, तुम इन पेंडू रिश्तेदारों को नहीं जानती। अरे ये बहुत ही चिपकू और ढीठ होते हैं। आपकी तरह नहीं। ओहो मोमो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जानू मैंने फैसला कर लिया कि तुम नौकरी करोगे। नहीं जानू, कि अब मैं इस मुल्क में नहीं रहूंगा, हमें अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, तुम अमेरिका जाके नौकरी करोगे? नौकरी नहीं जानू, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस। तभी तुमसे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, वहाँ कैसे बिजनेस करोगे? अरे पापा जी, किस दिन काम आएंगे भाई? आज तक बस वो ही तुम्हारे काम आए हैं नबील। हाँ तो आखिरी बार मदद कर देना, अमेरिका में गाड़ियों का शोरूम खुलवा दे, बल्कि हमारे साथ ही रहे ना वहाँ। शर्म का मुकाम है नबील। हाँ वैसे पापा जी को शर्म तो आएगी हमारे साथ रहते हुए, हमें काम करेंगे वहाँ, हम सर्वेंट क्वार्टर में ठहरा देंगे पापा जी को। नबील मैं अपने पापा के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। अरे तुम्हारे पापा जो है वो पूरे के पूरे गलत है, कुछ की क्या बात है नबील। हाँ मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो उन्हें अभी तक कैद हो जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। तुम क्यों नहीं मर जाते? अरे अगर मैं मर गया तो पापा जी की करोड़ों की जायदाद कौन संभालेगा? You're just too much, Nabeel. ओ जानू थैंक यू, जब तुम मेरी क्रेजी में तारीफ करती हो ना मुझे बड़ा मजा आता है। और नहीं भाई हमें दूध नहीं चाहिए। बाजी जी मैं आपको दूध आला लगता हूँ। तो दूध देने नहीं आया? दूध तो मेरी भैंस देती है जी, मेरिया ना पंजिया भैंसा हैं। अच्छा तो तू भैंस बेचने आया है? ओ नहीं नहीं बाजी जी, मैं कुछ बेचने नहीं आया। ओए इस पक्के चुरियों वाले मुंह पे तू मुझे बाजी कह रहा है कटिया आदमी? ओहो मैं जी गांव से आया हूँ। तो गांव में क्या नन्हे काके लोग हैं अभी तक हैं? शक्ल से तो मुझे वो लग रहा है तू। वो क्या जी? वो जो बार बार दरवाजा नहीं बजाते? पड़ोसी? नहीं जिनसे हम बार बार माफिया मांगते ना। हाँ जी हाँ जी, फकीर। हाँ हाँ फकीर। मैं आपको फकीर लगता हूँ? 101 एकड़ जमीन है बाजी जी मेरे पास। तो तू जमीन पे सोते है? बाजी जी मैं क्यों जमीन पे सोऊंगा? देखिए जी मुझे ना महमूद से मिलना है। कौन महमूद? ये महमूद का घर नहीं है? नहीं ये तो मेरा घर है जी। कोई और तो रहता होगा इस घर में आपके साथ? हाँ अदील, जमील और परवीन रहते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, ले मैं फिर खाम खा इधर इतनी दूर से उसे मिलने के लिए आ गया, मुझे वापस गाँव चले जाना चाहिए था। एक मिनट याद आया मुझे, तो वही चिपकू टीट मेहमान है जो आने वाला था। क्या जी? हाँ वो शहाब अंदर ही है। कौन शहाब? शहाब मेरा मियाँ। और कौन? यार रब्बा मैं कहाँ पे आ गया हूँ। चलो मुस्तकीम देखे ये कौन आया है। महमूद। हाँ आपसे मिलने महमूद आया है। ओए ओ मेरे यार,
ओए मुदे ओए कैसा तू यार है, ठीक ठाक है? वाह वाह मुदे यार, तू तो बहुत मोटा हो गया और मुंह भी तेरा कितना बड़ा हो गया यार। मुदे ही कह दिया। वैसे मुदे तू ना बड़ा ही कटिया आदमी है कसम से। वैसे बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने। यार मुदे सवेर से तेरा कार लब लब के मैं थक गया हूँ। वो अच्छा तू भूल गया है? और याद नहीं है तू गांव में भूखा नंगा हुआ करता था, मैंने तेरी मदद की थी। हाय इश्फाक, आप भूखे थे और नंगे भी? अरे रशीद क्या तुम पुरानी बातें लेके बैठ गए हो यार? ओए मैं बैठा कहाँ हूँ यार, और तुम तो मुझे कुछ पूछ ही नहीं रहे। क्या पूछने? वो जी वो कोई चाय कोई लस्सी नाश्ता। अच्छा आपको चाय नाश्ता बनाना आता है? माँ जी वो चाय नाश्ता करना चाह रहे हैं। और तू चुप कर मीना। खूबसूरत माँ जी, तुझसे ज्यादा खूबसूरत तो रशीद की मुझे है। मुमताज? मुमताज की मुझे भी खूबसूरत है। ओहो मोमो कैसी बातें कर रही हो तुम भाई, इसके लिए चाय वाय बनाओ, इसे देर हो रही है, इसे जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, चाय शादी कोई लोड़ नहीं है, मैं तो मुँह हाथ धो के ना खाना खाऊंगा। क्या? अच्छा मुदे छेती नाल ए दस के कमरा कितने? नबील इसे अपने कमरे में ले जाओ। ये हमारे कमरे में रहेंगे नबील? मैं मूसा भी आपके कमरे में क्यों नहीं जाते भाई? वो हमारे बाथरूम में ना गर्म पानी नहीं आ रहा। ओहो मुदे कोई बात नहीं है, मैं तो गांव में भी ना बर्फ वाले पानी से नहा लेता हूँ। हाँ पत्थर नहीं फुला दूं मैं। उशाबशे शफीक आप क्यों नहीं नहाते बर्फ वाले पानी से? अरे तुमने मुझे क्या बर्फानी रीछ समझा हुआ है? नहीं महमू साहब, हमने आपको बड़े मुंह वाला लगड़ बगड़ समझा हुआ, क्यों जानी। शट अप नबील। ओके हमारे गांव में ना अगर बीवी ऐसे शट अप कह दे ना तो उसकी तो जुबान ही खींच लेते हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आदमी? चल नसरीन जुबान बाहर कट, मैंने खींचनी है। ओहो आप लोग अपने कमरे में लेके जाए ना यार इसे। चल 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 सीधे चला। चलो 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 मामू अबाउट टाइम। चल चल लिया। कैसे कैसे लोग आ जाए। आए बैठे ना। चलो तो बड़ी तरक्की कर ली है। तेरे घर तो वो कमरा ठंडा करने वाली मशीन भी लगी हुई है। अशी दे ये बता कि तेरा कितने के दिन रहने का प्रोग्राम है? प्रोग्राम यार मुदे प्रोग्राम से याद आया, प्रोग्राम तो अपने पिंड में होते हैं। वाह वाह वो नसीबो लाल के गाने आ हा हा। ई दम ना भरोसा यार दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। ओ तुम तो चुप करो मामा। वाह वाह भाभी जी क्या आवाज है आपकी, वाह वाह वाह। खुशी दे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम कब तक रुकोगे यहाँ पे? यार मुदे अभी तो आया हूँ, कम से कम 3-4 दिन तो रुकूंगा तेरे पास। 3-4 दिन? अरे लेकिन भाई मैं तो आज शाम को शहर से बाहर जा रहा हूँ। किसके साथ? मुमताज के साथ। ये मुमताज कौन है? डैन है। अरे तुम हो मोमो? हाँ तो मैं डैन हूँ। अरे भैया आज शाम की फ्लाइट है ना मेरी और मोमो की, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। चल झूठे, अतवार बाजार तक अभी लेके नहीं गया तो इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। झूठ बोल के ना आपके चेहरे पे फटकार बरस रही है बशारत। महमूद? महमूद के नहीं आपके मुंह पे। यार माशाल्लाह माशाल्लाह आप दोनों में कितना प्यार है, वाह जी वाह वाह। यार मुद्दे तू एक काम कर, तू ना मेरे मुंह हाथ धोने के पानी में ना 2 नींबू थोड़ा जहा शहद और फिर थोड़ा जहा नहीं बल्कि पूरी बोतल अरके गुलाब की मिला दे यार। क्यों तुम वो पानी पियोगे? और नहीं नहीं यार ऐसे पानी से ना जल्द जरा निखर जाती है। अच्छा ओए आहो यार मुदे एवी ते पिंड दिया सारिया कुड़िया मेरे पर जान तो नहीं देती ना। भाभी जी तुसी फटाफट ना खाना तैयार करो, सरसों दा साग पाए ते नान वगैरह है जी। ओए मैं इस घर की मालकन हूं, बवर्चन नहीं हूं। अरे मोमो जो ये कह रहे हैं कर दो ना फटाफट, खाना खिला के इसे रवाना करते हैं। ठीक है फिर आप भी मेरे साथ हेल्प करेंगे? अच्छा भाई तुम ऐसा करो मुंह हाथ धो लो, हम तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है मुदे चले। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा।
यार महमूद साहब, आपका ये रिश्तेदार आपकी तरह घटिया और कंजूस। खुद रकीर बिल्कुल ठीक है, कम से कम उस जोड़े को मेरे लिए तो तोहफा लाना चाहिए था ना। हाँ, कम से कम झाड़ू ही ले आता। से अंदर सो रहा है, कब जाएगा घर से? उफ अस्तगफिरुल्लाह, कैसे घटिया किस्म के खराटे ले रहा है, लग रहा है कोई बॉयलर चल रहा है। यार मैंने तो पूरी कोशिश की थी उसको चलता करने की। क्यों, वो तो पहले से ही चल फिर रहा था। महमूद साहब, मेरे बेचारे पापा जी ने आपके रिश्तेदारों को एंटरटेन करने का ठेका नहीं ले रखा। यार नबील, ये तुम मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं कर रहे? वो जो मैं ज्यादा कर रहा हूँ वो आपकी बेइज्जती है? हाँ जी। नहीं महमूद साहब, ये मेरी शराफत है कि मैं आपके फजूल किस्म के रिश्तेदारों को यहाँ आने की इजाजत देता हूँ। ये मत भूल कफील, इश्फाक सुतेले ही सही पर है तेरे चाचा। अरे कौन इश्फाक? आप और कौन? अरे भाई मैं महमूद हूँ और इसका बाप लगता हूँ। आप मुझे बाप नहीं लगते बल्कि जहर लगते हैं, नीला थोथा लगते हैं आप। यार किस किस्म के लोग हो तुम लोग, यार दो मिनट सोने भी नहीं देते मुझे। तेरा भला हो जाए महमूद साहब, ये तो आपसे भी बड़ा मुंह खोल लेता है भाई, इस पे टिकट लगा दे। देखो भाई मैं तेरा कैद आजम के मजार पे जा रहा हूँ घूमने के लिए, तुमने ये मेरा बैग ना संभाल के रखना है। आप फिक्र ना करें, आपका बैग महमूद साहब संभाल लेंगे। ले भाई मुंह, ये मेरा बैग है, इसे संभाल के रखना, बहुत कीमती बैग है ये। अच्छा ओहो महमूद साहब, वो बड़ी खट्टी खट्टी किस्म की बदबू आ रही है। पता इस बैग में गोबर है। माँ जी कोई अपने बैग में गोबर रख के क्यों घूमेगा यार? ओ जाहिल लड़की, तुझे नहीं पता गोबर रखने से ना उसकी बदबू से मच्छर करीब नहीं आते। ओहो मोमो, तुम भी उतनी ही जाहिल हो। हां आओ बैग लेके कमरे में चलते हैं। चलो यार, चाय बना दो एक कप यार, चलो यार। ओए बोल क्यों नहीं रहा? हाँ? अच्छा हेलो, हाँ जी मैं फायजा बोल रही हूँ। क्या एक्सीडेंट ट्रक के नीचे? ओए होए फिर तो भाई, ओए होए होए होए, हाँ जी ओए होए होए होए। अकील महमूद साहब, वो आपका दोस्त कहाँ रह गया, वापस ही नहीं आया, पता तो करें। अरे दफा करो उसको। मसाहूद, हमीद का एक्सीडेंट हो गया है। अरे कौन हमीद? आपका पेंडू दोस्त। तुम्हें किसने कहा है? बट साहब ने फोन करके बताया कि आपका जो पेंडू दोस्त है वो ट्रक के थल्ले आके खड़ा हो गया। हाय मेरा जिगरी दोस्त, और कोई मनु पड़े। अरे यहाँ से नहीं। महमूद साहब कसम से यार, आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलते। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त था नबील यार, तुक तो होगा ना। आप तो खाना भी बाजार से आएगा ना इस खुशी में? ओ मैयत वाले घर में चूल्हा नहीं जलता जाहल औरत, चल जल्दी से पिज्जा मंगा। मेरे लिए सैलेड मंगवा लेना। अच्छा नू मेरा ख्याल है लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर दो। यार आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? एक बंदा मर गया, आप लोगों को पिज्जा की पड़ी हुई है। अब बिल्कुल सही कह रही है खूबसूरत महमूद साहब, पिज्जा कैंसिल। आज हम ऐसा करते हैं बर्गर खा लेते हैं, क्यों जानू? शट अप नबील। कहे जानू? ओ यार महमूद साहब बस कर दे यार, उम्र कैद के जो कैदी होते हैं ना वैसा मुंह बनाया हुआ है आपने। कमाल कर दो यार नबील, मेरा जिगरी दोस्त था यार वो चला गया। महमूद साहब आप ऊपर वाले से दुआ करें कि वो उसे नीचे भेज दे और वो आपको उठा के भी ले जाए साथ। क्यों भाई, अभी मेरी उम्र ही क्या है? महमूद साहब बताने वाली नहीं है वैसे आपकी उम्र। मेरा दिल बड़ा उदास है, अभी मुझे मत छेड़ो। ओ भाई मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आप ही को छेड़ूंगा। मेरा मतलब है मेरा दिल बहुत दुखी है इस वक्त। यार महमूद साहब अपने मुंह की तरह अपना दिल भी बड़ा करें ना यार। नहीं नहीं, इस वक्त तुम्हारी कोई भी घटिया जुगत मुझे खुश नहीं कर सकती। और चले यार महमूद साहब, चले आए कतरीना की नई फिल्म देखते हैं यार। कतरीना की? ये ठीक है। तो बात करें महमूद साहब, कितने मक्कार आदमी है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? मैं तो आपको याद दिलाने आया था कि दोस्त की अमानत भी है आपके पास। कौन सी अमानत? अरे बैग जो मरने से पहले वो आपको दे के गया था। अरे उस फालतू बैग का मैं क्या करूंगा यार नबी। ओ भाई इसमें जो भी कपड़े लगते हैं उसके गरीबों में खराब कर दें। से पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है नबी। ओ यार मैं तो हमेशा ही ठीक बात करता हूँ महमूद साहब, आपको कदर नहीं है हीरे की। अरे हीरा कौन, वो हमसायों का कुत्ता। अच्छा भाई डांट क्यों रहे हो, आओ बाहर चल के ये बैग खोलते हैं।
मैं तो कहती हूँ इस बैग को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही किसी फकीर को दे देते हैं। तो यार अगर इसमें पैसे हुए तो हम आदि कर लेंगे। 4-5 हजार रुपए के लिए आप लोग अपना ईमान खराब कर रहे हैं। हमें इस बैग की हर चीज को खैरात कर देना चाहिए। चुप है, तुझे तेरे मोटे बाप ने ये नहीं सिखाया कि ससुराल में मियां सास और ससुर की हर बात माननी होती है? ओ प्लीज माँ जी ना, अब प्लीज प्लीज तू क्या कर रही है? ओ यार आप लोग लड़ना तो बंद करो यार, लाओ इधर यार इसको खोल के देख लेते हैं। रुमाल है किसी के पास? ओ मेरे अल्लाह, पता नहीं इस शख्स ने क्या भरा हुआ है यहाँ। मुशामुशी मामू साहब, इसमें तो पैसे हैं। इतने नोट मामू साहब, माँ जी जानू हम लोग करोड़पति हो गए। वो जो हम लोग हैं वो करोड़पति हैं जी। हाँ दानिश खाजा। हाँ मेरी बात सुन खाजा, मुझे गाड़ी चाहिए। और भाई सुन तो ले, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, कोई 10-20 लाख वाली गाड़ी ना भेज देना। हाँ जैसे तूने बड़ी गाड़ी बनवाई है ना वैसी। और नहीं यार अली इमरान जैसी नहीं चाहिए भाई, वो घटिया गाड़ी नहीं चाहिए मुझे, अपने जैसी तूने बनवाई है वैसी बनवा के भेज। पैसों की टेंशन नहीं लेनी तूने, 10 ओहो तेरा कमीशन, मुझे पता तूने वैसे ही ले लेना बीच में से, तुझे कमीशन की जरूरत ही नहीं है। ओके बाय। हेलो, हाँ देखिए ये जो नबील ने अभी गाड़ी बुक करवाई है ना, मुझे इससे महंगी गाड़ी चाहिए। पैसों की आप फिक्र ना कीजिए, हाँ जितने कहेंगे दूंगा, आपकी कमीशन भी डबल दूंगा, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए बस। ये देखो नबील, पूरे 3.5 लाख रुपए की घड़ी ली है मैंने। ओ महमूद साहब, 5 लाख की हो या 10 लाख की हो, घड़ी जेब में नहीं रखते, घड़ी यहाँ पहनते हैं। नहीं नहीं नहीं, खराब हो जाएगी इतनी महंगी घड़ी। गरीब आदमी। देखो नबील, तुम मुझसे कंपटीशन करना छोड़ दो। ओ महमूद साहब, ये शो मारना बंद करें, लग रहा है जिंदगी में आपने पहली बार पैसा देखा है। ये मत बोलो नबील, जिस पैसे पे तुम अयाशी कर रहे हो ना, वो मेरे दोस्त का था। कर दी ना आपने घटिया बात, मेरे मोटे सुसर की तरह आपने पैसा कब्र में लेके जा रहे हैं। कब्र? ओ भाई जाहिर है आप मुझसे पहले ही जाएंगे ना। नबील तुम अपनी हद में रहो। और जाए जाए, अपने बड़े से मुंह से ना बड़ी बड़ी धमकियां किसी और को दीजिएगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा नबील। ओ मेरा बस चले ना तो मैं आपको देखूं भी ना। बड़ी थक गई मैं तो। हाँ जी, मैं आपके साथ आइंदा हरगिज़ शॉपिंग नहीं जाऊंगी। क्यों शकीला? 100 रुपए के पीछे आप उस दुकानदार से इतना लड़ रही थी। हाँ तो मैं अपने पूरे 100 रुपए क्यों छोड़ती उस पे? माँ जी अब आप करोड़पति हो गई हैं, अब तो ऐसी चीप हरकतें ना करें ना। चुपे, मैं अपने मियाँ के खून पसीने की कमाई ऐसे क्यों लुटा दूं भाई? ये महमूद साहब की नहीं, उनके दोस्त के खून पसीने की कमाई थी माँ जी। और जिसकी भी है उड़ा तो तू भी रही है ना उरूज। खूबसूरत माँ जी? मैं तो लगी रही हूँ खूबसूरत, पुणे 3000 का फेशियल कराया। खूबसूरत मैं हूँ? जब मुंह धोकर आ पहले, फिर देखते कौन ज्यादा खूबसूरत निकलता है। एक्सक्यूज मी माँ जी, आपसे तो बात करना बेकार है। हाँ कार, मैं भी जब कार लूंगी ना तो तुझे तो बिल्कुल उसमें नहीं बिठाऊंगी। बदतमीज लड़की, पता नहीं क्या समझती है, हर वक्त मुझे चू 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 चू। नबील मैं अब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जानू बगैर मेकअप के आईना मत देखा करो ना। मैं माँ जी की बात कर रही हूँ यार, मैं उन्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। खूबसूरत वो मेरी माँ है। माँ जी और महमूद साहब पैसे आने के बाद बहुत बदल गए यार। हाँ जानू ये बात तो मैंने भी नोट की है। तुम्हें महमूद साहब से दबने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम साफ साफ उन्हें कह दो कि भाई उनके पैसों पर उतना ही हक हमारा भी है जितना उनका है। तुम फिक्र मत करो जानू, मैं उन दोनों को ठीक करता हूँ। रिलैक्स जानू रिलैक्स, अपनी शॉपिंग दिखाओ मुझे। क्या मुमताज के साथ बदतमीजी करे? मुमताज के साथ नहीं की है, मेरे साथ की है मशूक। अरे मैं अभी जाकर उनको बता देता हूँ कि आज के बाद उन पैसों में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। शाबाश मेरे गीदड़। लालची इंसान, पैसा आते ही तूने आंखें सर पे रख ली। ना लायक इंसान, इनकी आंखें तो अपनी जगह पर है। नबील आज के बाद तुम उस बैग को हाथ भी नहीं लगाओगे, एक टेडी पैसा नहीं निकालोगे उसमें से। क्यों? वो बैग क्या आप अपने जहेज में लाए थे? नहीं पुत्र, ये तो जहेज में टीन का टूटा हुआ बक्सा और ये बड़ा मुंह लेकर आए। भाई साहब आप यहाँ
और ये जख्मी आदमी कौन है? वो बरसा बैठी पूरी मम्मी करी चुकी फिर रहे हो। और इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसकी जेब में आप लोगों का पता था। ये कहता है कि आप लोगों का मेहमान था ये हमारा मेहमान और इतना बुरा रशीद। पर वो तो मर गया था बट साहब। और मैंने माँ जी को बताया था फोन पर कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने अगली बात ही नहीं सुनी, फोन बंद कर दिया। यार मुदे मुझे ना मेरा बैग वापस कर दे, मैंने अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाना है। माँ जी मुझे एक बात सही से याद करके बताएं कि आपने पकौड़े में ये पाउडर डाला था। हाँ नौरीन, बड़ा अच्छा मसाला था, भर भर के डाला है मैंने। माँ जी इसमें चूहे मारने का जहर था, सब मरने वाले हैं। अरे मोमो ये सब लोग कौन हैं? क्यों मरने वाले हैं भाई? माँ जी ने हम सबको जहर दे दिया। जहर? मोमो साहब ये सब आपके बड़े बड़े गुनाहों की वजह से हो रहा है जो हम सब भुगत रहे हैं यार। अच्छा तो तुम्हारे गुनाह क्या कम थे? अरे आप लोग लड़ना तो बंद करें, एक तो बैठे बिठाए माँ जी की वजह से मर गए, ऊपर से आप लोगों की चिकचिक। भाई मैं तो कहता हूँ अपनी कब्र पे चल के ना फातिहा पढ़ाते हैं, पता नहीं मेरी कब्र पे किसी ने मट्टी ठीक तरह से डाली भी होगी या नहीं। ओ महमूद साहब मुंह के मुताबिक सबसे ज्यादा मट्टी आपकी कब्र पे डली होगी यार। ओ जानू मुझे तो रह रहे के पापा जी का ख्याल आ रहा है। वाकई? हाँ जानू, वो कितना याद कर रहे होंगे मुझे। तुम्हें? वो तुम्हें क्यों याद करेंगे? हाँ भाई उनकी करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस मर गया है, अब उनकी जायदाद। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। यार बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जा।